हेलो एवरीवन, दिस इज मी दिव्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिजलिंग दिव्या। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लोटस हर्बल्स की रेडियंट डायमंड फेशियल किट, जो कि आपके फेस पे इंस्टेंट रेडियंस प्रोवाइड करता है और ऑल टाइप स्किन को सूट करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका रिव्यू प्लस डेमो। तो या चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है ये किट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग होती है। तो ये फ्रंट एरिया से इस तरीके से दिखता है एंड बैक साइड में आपको इसे यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो वे टू यूज़ रेडियंट डायमंड फेशियल। सो यहाँ पर इसमें 5 स्टेप्स दिए हैं। तो 5 स्टेप में आपको सारे ही इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको इन्हें यूज़ करना है। ऑल राइट गाइज, सो आप यहाँ पर देख सकते हो इस फेशियल किट में आपको 5 स्टेप मिल रहे हैं, क्लिंजर, स्क्रब, क्रीम, फेशियल जेल एंड फेस पैक। तो ये 5 स्टेप मैं आज आपको करके भी दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, इसमें फेशियल में कितने स्टेप्स होते हैं और इसे कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फेशियल स्टार्ट करने से पहले हमें अपने बालों को अच्छे तरीके से टक कर लेना चाहिए। आप किसी भी हेयर बैंड का यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ वार्म वाटर, और आप किसी स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने इस तरह से हैंकी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इससे अच्छे से यू नो क्लीन हो जाता है फेस। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ। फर्स्ट स्टेप हम करेंगे क्लिंजिंग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं फर्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ। तो क्लिंजर से क्या होता है कि हमारा जो फेस है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि आपके फेस से जितने भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है, और बहुत अच्छे से आपका फेस जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिंजिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरे फेस में अच्छे से क्लिंजर क्रीम को अप्लाई कर लिया है। देन आपको फेशियल आपको हमेशा बहुत ही हल्के हाथों के साथ करना होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लग रहा होगा, क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। तो बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, लाइक आपको अपनी स्किन के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे से आराम से धीरे धीरे हाथों से मसाज करना है, और आपको अपना नेक एरिया भी कवर करना है। तो इस तरीके से आपको इन स्टेप्स के साथ करना है, और बहुत अच्छे से आपको मसाज करते जाना है, ताकि जितनी भी डर्ट हो और इम्प्योरिटीज़ हो वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। फाइव मिनट्स तक आपको अच्छी तरीके से मसाज करना है, और जब आप मसाज करोगे तो आप देखोगे कि जो क्लिंजर है वो आपके स्किन में अब्सॉर्ब होता जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी लेते जाना है अपने हाथ में, देन उसकी हेल्प से आपको मसाज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं इस तरीके से इसे वाइप आउट कर लूँगी एंड हम सेकेंड स्टेप स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्क्रब। सो गाइज, सेकेंड स्टेप है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। और स्क्रब हमारे फेस से जितनी भी डेड स्किन सेल्स होती हैं, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, इससे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि स्क्रब में आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छे से जब आप इसे अपने स्किन में यू नो रब करते हो तो जितनी भी डेड स्किन सेल्स होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से निकल जाती हैं हमारे फेस पे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्क्रब ले लिया है और इसे अपने फेस में अप्लाई करने के बाद आपको इसे भी बहुत हल्के हाथों के साथ स्क्रबिंग करनी है और अपने नेक एरिया को भी कवर करते जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेक एरिया को भूल जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पूरा फेस तो अच्छे से क्लीन हो जाता है बट नेक एरिया रह जाता है, तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने फेस के साथ ही अपना नेक एरिया भी कंप्लीट अच्छे तरीके से स्क्रब करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है बहुत हल्के हाथों के साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होंगे वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मसाज करते जाना है और स्क्रब भी आपको पूरे 5 मिनट्स तक करना है बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन के साथ। सो गाइज आप मेंबर देख सकते हो मैंने स्क्रब कंप्लीट कर लिया है और इसे भी मैं वाइप आउट कर दूंगी। बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लीन कर लेना है, देन हम करेंगे अपना थर्ड स्टेप। सो गाइज थर्ड स्टेप में आपको मिलता है डायमंड नरिशिंग क्रीम, जो कि आपके फेस की स्किन को पॉलिशिंग करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है और आपके फेस को लाइटिंग एंड ब्राइटिंग करने में हेल्प करता है। और इस मसाज को आपको करना है पूरे 5 से 10 मिनट्स तक आप इसे कर सकते हो आराम से। बहुत अच्छे से आपको इसे भी सर्कुलर मोशन में जेंटली आपको मसाज करना है अपने फिंगर टिप की हेल्प से इस तरीके से। और क्रीम मसाज में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी लेते जाना है और इस क्रीम को आपको पूरा अपने फेस में अब्जॉर्ब कराना है। तो बहुत अच्छे से हल्के हाथों के साथ आपको मसाज करना है ताकि जो भी क्रीम है वो आपके फेस में अब्जॉर्ब हो जाए बहुत अच्छे से। और आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मसाज करना है बहुत अच्छे से हल्के हाथों के साथ और अपने नेक एरिया को भी अच्छे से कवर करना है। बहुत सारी फेशियल किट्स में ऐसा मेंशन होता है कि वो आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा और आपको बिल्कुल बेदाग गोरा बना देगा। ऐसा बहुत सारे लोगों को भी लगता है कि फेशियल कराने से वो बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फेशियल सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्लिनजर से हमारे फेस में जितनी भी यू नो डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्लीन होती हैं, स्क्रब से डेड स्किन सेल्स हटते हैं और वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम घटती है। तो फेशियल सिर्फ और सिर्फ आपकी जो स्किन होती है उसे क्लीन करता है, ना कि आपको गोरा बनाने में हेल्प करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ओके सो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम करेंगे फेशियल जेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं फोर्थ स्टेप करने जा रही हूँ जो कि है फेशियल जेल। और फेशियल जेल में बहुत सारे यू नो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। इसमें आपको ऑरेंज ऑयल मिलता है, विटामिन ई मिलता है जो कि आपके लाइक इन्फ्लुएंसेस करता है, आपके रिमूव करता है आपके टॉक्सिन्स को जो भी स्किन में होते हैं और स्किन को बहुत अच्छे से यू नो जो शाइनी टेक्सचर प्रोवाइड करता है आपके स्किन को बहुत अच्छे से। आपको जेल को भी अपने पूरे फेस में इस तरीके से फेस एंड नेक में अच्छे से मसाज करना है और आप इसे 4 से 5 मिनट्स तक कर सकते हो। तो इसे भी आपको सर्कुलर मोशन में जेंटली अपने फेस में अच्छे से मसाज करते जाना है जेल को। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई लग रही है। और आपको इस जेल को पूरी तरह से अपने फेस में अब्जॉर्ब कर देना है, इतने अच्छे से आपको मसाज करना है हल्के हाथों के साथ। सो यू गाइस कैन सी कि मेरा फेस कितना ज़्यादा पहले से क्लीन लग रहा है और बिल्कुल लाइक ब्राइटनिंग लग रहा है मेरा फेस, तो आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको मसाज करना है, देन वाइप आउट कर देना है इसे भी। और हम चलेंगे अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ। तो जो फिफ्थ स्टेप है वो है हमारा फेस पैक। सो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी फेस पैक। ऑलराइट गाइस, सो ये है फिफ्थ स्टेप जो कि है फेस पैक। सो आपको फेस पैक को अपने पूरे फेस में अप्लाई करना है और आपको अपने पूरे नेक एरिया को भी कवर करना है। तो यहाँ पर मैं फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ और इसे मैं 10 से 15 मिनट्स तक अपने फेस में रखूँगी जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है। और जैसे ये ड्राई हो जाएगा इसे वाइप आउट कर दूँगी। तो आप देख सकते हो मैं इस तरीके से अपने पूरे फेस में फेस पैक को अप्लाई कर रही हूँ।
फेस पैक को अप्लाई करने के लिए आप चाहो तो अपने फिंगर टिप का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप किसी ब्रश का यूज़ कर सकते हो। मैं अपने फिंगर टिप के साथ कंफर्टेबल थी तो मैंने ऐसे अप्लाई किया है, बट आप चाहो तो कोई ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं अपने फेस में इसे अप्लाई कर लूँगी एंड देन जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा इसे वाइप आउट कर दूँगी। एंड गाइज, आपको फेस पैक की बहुत ही स्मूथ लेयर अप्लाई करनी है, इसे ज़्यादा थिक नहीं रखना है, बहुत स्मूथ लेयर अप्लाई करनी है अपने फेस में। एंड देन आपको इसे अपने नेक एरिया में भी अच्छे से अप्लाई करना है, और बहुत, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत ही थिक लेयर अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप थिक करोगे तो फिर वो ड्राई होने में बहुत टाइम लेगा, और आपको बहुत यू नो स्मूथ लेयर अप्लाई करना है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ऑल राइट गाइज, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फेस पैक जो है वो ड्राई हो चुका था, मुझे 10 मिनट्स हो गए थे इसे रखे हुए। तो अब मैं इसे अच्छे से वाइप आउट कर दूंगी, और इसके बाद आप देखोगे मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लोई लग रहा है। काफ़ी अच्छा फेशियल किट है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने पूरे फेस पैक को अच्छे तरीके से वाइप आउट कर दूंगी। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है, बिल्कुल ग्लोई लग रही है, और फ्रेश फील कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छी फेशियल किट है, आप ट्राई कर सकते हो इसे। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।